हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केके ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसी वीडियो को शूट करने पर लास्ट टाइम हम लोगों का ड्रोन क्रैश हो गया था। अगर आप लोग अभी तक क्रैश वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग यहां पर क्लिक करके क्रैश वीडियो देख सकते हैं। ड्रोन क्रैश होने के बाद हम लोग का हालत वॉज लाइक गुड न्यूज़ ये है, 7 दिनों की मेहनत के बाद फाइनली हम लोग का ड्रोन बन गया है। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे ड्रोन से रिलेटेड, दैट ड्रोन कहाँ से लिए हैं, कितने का है ये, इंडिया में मिलता है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है DJI Spark Flymore Combo। चलिए देखते हैं इस बॉक्स में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। ये है DJI Spark Flymore Combo का बॉक्स। चलिए इसको खोल कर देखते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या मिलता है। मिलता है एक कैरी बैग, एक रिमोट कंट्रोल जिसको आप सिंपल एक USB चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, 2 बैटरीज, एक चार्जिंग प्लेट जिसके अंदर आप एट ए टाइम 3 बैटरीज चार्ज कर सकते हैं। यह है ड्रोन का चार्जर। इसके लिए आपको एक एक्सटेंशन चाहिए होगा ऐसा, जिससे आप अपने ड्रोन को सिंपली चार्ज कर सकें। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, 4 प्रोपेलर गार्ड्स, और ये है अपना ड्रोन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है सिलिका जेल। इसका क्या यूज है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 2, व्हाई दिस ड्रोन इज यूनिक। इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए आपको ना ही किसी रिमोट कंट्रोल और ना ही किसी फोन की जरूरत पड़ेगी। ये सिंपली आपका फेस रिकॉग्नाइज करके आपके हैंड जेस्चर्स के थ्रू फ्लाई कर सकता है। तो चलिए इस फीचर को टेस्ट करते हैं। म्यूजिक। ये पुराना वाला ड्रोन था। जेस्चर कंट्रोल में फ्लाई करने के लिए सबसे पहले ड्रोन बैटरी के बटन को 2 बार प्रेस करिए। ड्रोन आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा और ग्रीन LED लाइट्स ऑन हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके पाम मूवमेंट्स को रीड करके राइट वर्ड्स अब ये लेफ्ट वर्ड्स जाएगा। और उसी तरह से बाकी मूवमेंट्स अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स और पीछे की तरफ भी जाएगा। सही था, एक फीचर मिस हो गया। क्या चीज़? एक्टिव ट्रैक। एक और इंटरेस्टिंग फीचर मिस हो गया, एक्टिव ट्रैक। तो अभी हम लोग वो भी ट्राई करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्टिव ट्रैक फीचर ऑन है और ड्रोन हमको ट्रैक कर चुका है। अब गो बटन प्रेस करते ही ड्रोन मेरे मूवमेंट्स को ट्रैक करके मेरे साथ साथ मूव कर रहा है। ड्रोन कैमरा के सामने आप जैसे ही अपना हैंड वेव करिएगा तो ये आपसे ऑलमोस्ट 15 फीट की दूरी पे चला जाएगा और नेक्स्ट जेस्चर का वेट करेगा। आप सेल्फी जेस्चर बनाइए एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर्स। आप इस तरह से अपना दोनों हाथ ऊपर करिए और ड्रोन आपके पास पाम लैंडिंग के लिए आ जाएगा। तो ये था इसके जेस्चर कंट्रोल टेस्ट। अब बात करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस की। ये ड्रोन कहाँ से लिया? सिंगापुर। इसका प्राइस क्या है? 58,000। ये इंडिया में कहाँ मिलेगा? ये ड्रोन आपको इंडिया में ज़्यादातर दिल्ली, मुंबई या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे में भी मिल जाए। अब सवाल ये है, वाई वी चोज स्पार्क? ये ड्रोन काफ़ी पोर्टेबल और हैंडी है। अब बात करते हैं इसके शेप और साइज़ के बारे में। ये रहा ड्रोन। इसके साइज़ कंपेरिजन करें तो ये एक सिंपल सा फ़ोन है, इसको आप लोग देख सकते हैं इसके बगल में। ये इस दोनों का शेप है। इसके अलावा अगर इसको कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग तो ये एक सिंपल 15 सेंटीमीटर का स्केल है। ये देखिए, अगर इसको मेज़र करें हम लोग तो ये आई गेस 12 सेंटीमीटर का बता रहा है। इसके अलावा ये एक आयरन है, इसका साइज़ देखिए और ड्रोन का साइज़ आप लोग देख सकते हैं दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे, ये ड्रोन काफ़ी पोर्टेबल है, बाकी सारे ड्रोन्स की तरह नहीं है जिसको हम लोग कहीं भी कैरी करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा बैग में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये ड्रोन बहुत ही हैंडी है और आप मेरा पाम देख सकते हैं, ये ड्रोन सिंपली मेरे पाम में ईजिली आ जाता है। ये था डीजे स्पार्क फ्लाइंग और कॉम्बो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। इस ड्रोन में अभी बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए।